फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। सीबीएसई ने आपकी ऑफिशियल डेट शीट वेबसाइट पर रिलीज कर दी है। ओके, यहां पर लिखा भी हुआ है, सीबीएसई इज रिलीजिंग द डेट शीट फॉर बोथ क्लासेस 10th एंड 12th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो आप सभी इतना ज्यादा वेट कर रहे थे, हम सभी बहुत एक्साइटेड थे डेट शीट को लेकर, एंड फाइनली आज डेट शीट आ चुकी है। तो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, एंड अब बिना टाइम वेस्ट करे डेट शीट देख ही लेते हैं कि कब से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, फेब 15 से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, लेकिन ये जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पेंटिंग, राय, गुरुंग, तमंग, शेप्रा, थाई, ठीक है, ये लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट। हाँ, देन ये आगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर हैं। जो मेन सब्जेक्ट का पेपर है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 27 फेब से, विच इज इंग्लिश। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, वो 5 मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो इंग्लिश का सबसे पहला पेपर है 27 फरवरी मंडे को, विच इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। टाइमिंग भी यहाँ पर बता रखी है 10:30 AM से 1:30 PM तक आपका एग्जाम चलेगा। तो आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा हर एक पेपर के लिए, ठीक है। देन आगे ये लैंग्वेजेस के पेपर हैं, एंड देन ये भी लैंग्वेजेस के ही पेपर हैं, ये भी काफी फ्रेंड्स ने ले रखे होंगे। एंड देन साइंस का पेपर है 4 मार्च को, तो 27 फेब से 4 मार्च, 4 दिन का गैप है आपके पास साइंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड देन आपका होम साइंस, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये बाकी सब्जेक्ट्स है जो फ्रेंड्स के ये सब्जेक्ट है, तो वो भी इसमें डेट देख सकते हैं। उसके बाद 13 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन फ्रेंड्स के ये सब्जेक्ट हैं उनकी डेट भी यहाँ पे दिया है 13 मार्च। उसके बाद 15 मार्च को है आपका SST का पेपर। तो देख रहे हो कितने दिन का गैप आपको मिला है SST के पेपर के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो, SST के लिए आपके पास 11 दिन का गैप है, तो SST तो आप बिल्कुल छोड़ भी दोगे उसके बारे में, अगर आप ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, उसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे, तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके पास 11 डेज हैं एग्जाम में SST की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी SST नहीं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन पर फोकस करो, ठीक है। एंड देन आपका 17th को है हिंदी का कोर्स ए एंड कोर्स बी का पेपर, तो 1 दिन का गैप है इसमें। एंड देन 21 मार्च को, तो 3 दिन का गैप है, एंड लास्ट पेपर आपका मैथ्स का है, ठीक है। तो काफी गैप मिला आपको हर एक पेपर में, 3-4 दिन का तो हर एक पेपर में गैप है ही, एंड SST में तो आपको 11 दिनों का गैप दे दिया। सो बहुत ही डेट शीट जो है वो आपके फेवर में है, आपके पास काफ़ी टाइम है। अभी देखो, दिसंबर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, आपके पास जनवरी का पूरा मंथ है, फरवरी आपके पास पूरी है, तो यू हैव एग्जैक्टली 2 मंथ्स टू प्रिपेयर। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आराम से आप अपना शेड्यूल बनाओ, एंड अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, एंड इसमें अच्छे से अपनी तैयारी करते हो, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड अब तो डेट शीट आ चुकी है, तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, अब आपको मोटिवेट होके अपनी स्टडी स्टार्ट करनी ही होगी, ठीक है। ये CBSE वेबसाइट पे जैसे ही नोटिफिकेशन आया, हमने उसी टाइम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं अभी हम, एंड यहाँ पे आपने डेट शीट देख ली है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, अपने सामने दीवार पे लगा लेना आपकी क्या डेट्स है, उस हिसाब से अपने शेड्यूल, अपने टाइम टेबल को प्लान कर लेना, ठीक है। बाकी हम आपके लिए क्विक रिविजन सीरीज तो चला ही रहे हैं, हर एक चैप्टर की क्विक रिविजन हम आपकी करवा रहे हैं। यस, हम आपको हर एक चैप्टर की, चाहे वो SST हो, साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी की हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, आधे घंटे में, 20 मिनट में हम पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करवा रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आगे हम आपके लिए और वीडियोस लाएंगे, मेंटी हम करेंगे, एंड साथ ही साथ हम आपको स्ट्रैटेजी के वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे कि इन 2 महीनों में कैसे प्लान करके आपको अपना सिलेबस कवर करना चाहिए। ओके, सो अब आपको खुद मोटिवेट होकर ही अपनी स्टडी स्टार्ट करनी होगी। डेट शीट आ चुकी है, अगर आप डेट शीट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, फाइनली दी डेट शीट इज हेयर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।